मोहल्ला होली जनपद कन्नौज में वार्षिक दधी कांधों का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसके चलते भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण से लेकर यशोदा और नंद बाबा की जीवंत झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। वही गोकुल से आए कलाकारों द्वारा रासलीला की झांकी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती दिखाई दी। कृष्ण शोभा यात्रा में बांके बिहारी नटखट नंदलाल के भक्त डीजे की धुन पर झूमते गाते नजर आए। प्राचीन सिंहासन पर विराजमान कन्हैयालाल की पालकी को मोहल्ला होली दधी कांधो समिति अध्यक्ष शिवा पांडे, कोषाध्यक्ष भानु मिश्रा, राकेश पांडे, आशीष पांडे, चंदन अग्निहोत्री आदि अनेक भक्त अपने कंधों पर रखकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैयालाल की उद्घोष लगाते हुए पैदल चलते हुए कृष्ण भक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते दिखाई दिए। शोभा यात्रा में भक्तों और दर्शकों को कोई असुविधा न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दी। कन्नौज से अमित मिश्रा, आर नाइन भारत। बड़े चौराहा पर जैसा कि कल पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम थी, उसी के चलते जनपद कन्नौज में जन्माष्टमी का साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है, उसी के तहत आज यहां पर गदगादों का आयोजन हो रहा है। उसको लेकर के मैं आपको दिखा सकता हूं, इस प्रकार से डीजे के साथ कृष्ण कन्हैया की झांकी जो है वहाँ पर जितने भी कान्हा के भक्त हैं हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ झूमते गाते नजर आपको आ जाएंगे। और जनपद के नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गदगादों की ये झांकी और लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया की झांकी यहाँ से नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई लोगों को अपनी शोभा यात्रा को लेकर अमित मिश्रा के साथ पुष्कर शर्मा की खास रिपोर्ट।